बच्चों पहला क्वेश्चन है स्क्वायर ऑफ 15, जिसको आता है हाथ खड़े करो। तो उठो बच्चों, आप जवाब दो। सर इसका जवाब 225। बिल्कुल सही जवाब, बच्चे के लिए तालियां, क्लैपिंग। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाह। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस वक्त कस्बे डोडा के अंदर इस तरीके के काफ़ी सारे वालदेन आपको मिलेंगे जो अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं कि आखिर उन बच्चों की कोचिंग्स का क्या होगा और उनके डाउट्स को किस तरह से क्लियर किया जाएगा और एकेडमिक्स किताबों के अंदर जो उनके पास डाउट्स होते हैं उन्हें क्लियर करने के लिए उनके पास या तो घरों पे मास्टर्स अवेलेबल नहीं हैं और ना ही इतने कोचिंग सेंटर्स हमारे यहाँ पे हैं छोटे बच्चों के लिए जो उन्हें ये तमाम चीज़ें करा सकें। लेकिन यूनिक क्लासेस इस वक्त डोडा के अंदर जो सेंटर चल रहा है आप सबको बताने की कोशिश करूँगा कि ये भरत रोड पर फरीदिया बिल्डिंग में तीसरे फ्लोर पर, और यहाँ पर आप हर एक बच्चे को अपने तरीके से कोचिंग करवा सकते हैं। तो आप पूरी तरीके से आज की ये रिपोर्ट देखें और आप खुद जान सकते हैं कि यहाँ पे टीचर किस तरीके से बच्चों को मेहनत कराते हैं और यहाँ पे किस तरीके के मकासद के ज़रिए से बच्चों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी तैयारियाँ कराई जाती हैं। तो पूरा जानकारी हम यहाँ से लेने की कोशिश करेंगे इस पूरे इंस्टीट्यूशन के, यहाँ के बच्चों से, यहाँ के टीचर से और यहाँ के ऑनर से। तो पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। बच्चों आज का सेकेंड क्वेश्चन है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। आप में से जिसको भी आता है हाथ ऊपर करो। ओके, पुट डाउन योर हैंड्स और बेटा आप दोगे जवाब इस सवाल का। सर इस सवाल का जवाब है 999। बिल्कुल सही जवाब, बच्चे के लिए तालियां। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ अमाउंट। इसका आंसर है P(1+R)/100^n। बेटा आप भी दो इसका जवाब। P(1+R)/100^n। वेल डन, दोनों बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है। बेटा आप बताओगे? सर इसका जवाब है P(1+R)/100^n। वेरी गुड, तीनों बच्चों के लिए क्लैपिंग जोर से। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 10 और 11। इसका जवाब कौन कौन दे सकता है? बच्चे पहले आप जवाब दोगे। सर इसका आंसर है 110। करेक्ट आंसर। बेटा आप बताओ। सर इसका आंसर है 110। बिल्कुल सही जवाब, आप बताओगे? सर इसका आंसर है 110। तीनों बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तीनों के लिए तालियां। बच्चों अगला क्वेश्चन है एक्सीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। जवाब कौन कौन दे सकता है? हाँ बेटा आप दो जवाब। सर द एचसीएफ ऑफ 1 और 3 इज ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। करेक्ट आंसर। आप बताइए। सर एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर इज 1, ऑलवेज 1। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां बजाइए बच्चों के लिए। बच्चों अगला क्वेश्चन है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50। हाँ कौन बच्चा जवाब देगा? आप देंगे जवाब? बताइए। सर इसका आंसर है 2×5×5। आप बताओगे? सर 2×5×5। आप बताइए। प्राइम फैक्टर्स आप 50 आर 2×5×5। ओके वेल डन, तीनों बच्चों ने ठीक जवाब दिए हैं, इनके लिए तालियां बजाइए। हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुने ध्यान से, व्हेन आयरन नेल्स आर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन व्हाट हैपेंस?
बताइए कौन जवाब देगा? हाँ बेटा आप बताइए। सर जब वो कॉपर सल्फेट को हम आयरन आयरन में सॉल्ट करें तो आयरन क्योंकि मोर रिएक्टिव होता है तो इसलिए कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर लेगा। जवाब ठीक है बट नॉट सेटिस्फैक्ट्री। आप बताइए। सर डिकम्पोज कर लेगा। हाँ बेटा आप बताइए। सर सिंस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। मैं दिलीप कुमार और यूनिक क्लासेस में मैं एज ए ट्यूटर हूँ फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम्स। यहाँ पर मैं बच्चों को फंडामेंटल मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में डील करता हूँ और जो हमारे जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको मैं फॉर फ्यूचर कॉम्पिटिशंस के लिए प्रिपेयर करता हूँ और इसके आधार पर हम लोग डेली बेसिस पर क्विज कॉन्टेस्ट करते रहते हैं ताकि बच्चों में नॉलेज के लिए मोटिवेशन हो। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। सबसे पहले तो आप मुझे बता दो मोनेरा टू एंड मेलिया गिवन बाय कौन कौन बोलेगा? कितने लोग बोलेंगे? मोनेरा टू एंड मेलिया गिवन बाय बस टू हैंड, और कोई बोल सकता है? चलो ठीक है। तो The first two kingdoms that is Plantia and Animalia was given by Linnaeus and the third kingdom Protista was given by Haeckel. Fourth kingdom Monera was given by Copland and the fifth kingdom was given by R.H. Whittaker and the sixth kingdom was given by Canvos which is three domains. And next question, difference between prokaryote and eukaryote. Kitne log bolenge? Again two hand. बाकी लोग एक से कट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट कितने लोग बोलेंगे? ठीक है चलो बोलो आप। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो डिफरेंस है, सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल का कहें तो उसमें साइज जो होता है सेल का 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। उसके बाद उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। उसके बाद उसमें क्रोमोसोम भी सिंगल होता है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो उसमें साइज उस सेल का 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और उसके बाद उसमें क्रोमोसोम मोर देन वन होता है, सिंगल नहीं होता है, मोर देन वन होता है। चलो तुम बोलो। सर डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल्स आर गिवन। सर फर्स्ट डिफरेंस इज दैट सर इन प्लांट सेल्स सेल वॉल इज प्रेजेंट बट इन एनिमल सेल्स सेल वॉल इज एब्सेंट एंड द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स इज इनसाइड ऑफ द सेल वॉल एंड इन एनिमल सेल द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर लेयर ऑफ द सेल। In animal cell the Golgi apparatus is present as a dactosome and in plant cells the Golgi apparatus is dominant sir and in animal cell the nucleus in the cell is at So but in the plant cell the nucleus is shifted. In plant cell vacuole take about 50 to 70% but not in animal cells. बहुत अच्छा जवाब दिया इसने, क्लैप कर दो इसके लिए भी। Myself Dr. Dhiraj Ranjan, मैं यूनिक क्लासेस में पिछले 3 सालों से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और हमारे यहाँ से पहले भी काफ़ी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, पिछले साल भी सिलेक्ट हुए हैं और इस बार भी अच्छे मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के। अभी देखना है उनको कॉलेज मिलता है नहीं मिलता है। और आप यहाँ आ सकते हैं यूनिक क्लासेस में, यहाँ एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से डील की जाती है। मैं खुद डिफरेंट ट्रिक से अब बायोलॉजी को पढ़ाता हूँ। फिजिक्स वाले सर भी काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस टीचर हैं, केमिस्ट्री वाले सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। सो आप चाहे तो यूनिक क्लासेस में आकर डेमो क्लासेस ले सकते हैं। तो बच्चों सवाल है फिजिक्स से, फोर्स क्या होता है, कौन डिफाइन करेगा, व्हाट इज फोर्स? हाथ उठाओ। ठीक है आप बताइए फोर्स क्या है। सर अ पुश और पुल व्हिच कॉज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स।
बिल्कुल सही, वेरी गुड। आप बता सकती है फोर्स क्या होता है? हाँ सेम है, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना वही फोर्स होता है। बिल्कुल सही, एक बार जोरदार क्लैप करिए इनके लिए। सिट डाउन। दूसरा सवाल क्या पूछना है? लाइट। चलो ठीक है, दूसरा सवाल फिजिक्स से ही है। व्हाट इज लाइट? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। चलो ठीक है, आप बताइए लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट। बिल्कुल सही है। आप बता सकते हो लाइट की स्पीड कितनी होती है? सर लाइट की स्पीड सर 3.8 × 10⁻⁶ किलोमीटर पर सेकेंड। आप बता सकते हो सही बोला है गलत बोला इन्होंने? सर सही बोला, बट इन किलोमीटर्स, लेकिन मीटर्स में 3 × 10⁸ में 3 × 10⁸ बिल्कुल सही है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक बार जोरदार क्लैप हो जाए इनके लिए। माई सेल्फ इंजीनियर प्रशांत कुमार, मैं पिछले एक साल से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ पे हम बच्चों को फिजिक्स सिखाते हैं और डिफरेंट जो हमारे नीट के लिए, JEE के लिए और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बच्चों का जो भी डाउट्स होता है उसको हम क्लियर करते हैं। हमारे बच्चे का रिस्पांस काफ़ी यहाँ पे अच्छा है। हम फिजिक्स को यहाँ पे पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं। जितना अच्छा आप सीखेंगे उतना अच्छा आप करेंगे। हम यहाँ के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने बच्चे को यहाँ भेजें। आपके बच्चे के साथ बिल्कुल सही तरीके से अच्छे गाइडलाइंस यहाँ मिलेगी, जिससे आपका रिजल्ट अच्छा होगा, बच्चे का फ्यूचर ब्राइट होगा। उनकी जो भी डाउट्स होगी, जो भी कन्फ्यूजन होगा, सारे कन्फ्यूजन को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। एक समान, एक जैसा यूनिक क्लास हमेशा के लिए आपके बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए अच्छा काम करेगा। हम लोग मिलकर काम करेंगे आपके बच्चे के लिए, सो प्लीज़ कम इन यूनिक क्लासेस। नमस्ते, मेरा नाम ममता परिहार है, मैं यहाँ पे डोडा में रहने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे एक कोचिंग खोल के रखा हुआ है यूनिक क्लासेस के नाम से, बहुत टाइम से चल रहा है और बहुत अच्छा जा रहा है मेरा इंस्टीट्यूट। तो आपने यहाँ पे अभी देखा होगा, बच्चों से बातचीत भी की होगी, टीचर से भी बातचीत की होगी, बहुत अच्छे से मतलब रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस है। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत अच्छे से आंसर्स भी दे रहे हैं बच्चे, तो बहुत विश्वास उनके अंदर जाग रहा है। तो मेरा यही मकसद है कि हर बच्चे के अंदर नेचुरली विश्वास जागे। जो बच्चा जो होता है, जो बहुत कमज़ोर भी है, जो बात करने से डरता है टीचर से, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, तो आज ये हो रहा है कि आज वो डर जो है बच्चों के मन से भाग रहा है। मैं खुद पर्सनली एक एक स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करती हूँ, एक एक स्टूडेंट से बात करती हूँ, और बच्चों में कोई भी डाउट्स नहीं है कि हाँ जी वो टीचर से डर रहे हैं बात करने में। अगर ऐसा भी होता है तो वो मुझसे फ्रेंकली बात करते हैं और मैं उनकी हर डाउट्स क्लियर करती हूँ। तो पेरेंट्स से रिलेटेड, पेरेंट्स की क्या आती है दिक्कत कि पेरेंट्स भी अपनी बात खुल के टीचर्स से नहीं कर पाते, अपने बच्चों की परेशानियां नहीं बोल पाते। पर आज वो परेशानी मैंने हल की है। मैं खुद मीटिंग्स होती हैं हमारी पेरेंट्स की, तो हर हफ्ते या दो हफ्ते मैं मीटिंग्स करती हूँ, पेरेंट्स से खुद बातचीत करती हूँ, ये पूछती हूँ कि क्या है, कहाँ पे कमी है आपके बच्चों में या कहाँ पे हमसे कमी हो रही है। तो वो मैं जो भी डाउट्स हैं उनके दिल में या मेरे यहाँ से जो भी कमी होती है तो वो सब क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। स्टाफ भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, हर कोई कोऑपरेटिव है, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट्स हर साल हमारे कोचिंग से जा रहे हैं, यूनिक से हर साल कोई ना कोई रिजल्ट निकलता ही है। एक या दो स्टूडेंट्स नीट के भी निकलते रहते हैं, हमने नीट का भी खोला हुआ है। यहाँ पे कई पेरेंट्स को अभी ये डाउट है कि जम्मू में बेटर कोचिंग हो रही है नीट्स की, पर ये डाउट्स मैं उनका ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि आप पर्सनली यहाँ पे आओ, हमारे ऑफिस में विजिट करो, फ़ोन भी करो। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं कि नीट को लेके, स्पेशली नीट्स को, MBBS को लेके, नीट को लेके ये डाउट्स होते हैं कि नहीं बाहर ही अच्छी कोचिंग हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी हमारे 2-3 साल से हम रिज़ल्ट हर साल दे रहे हैं नीट के। तो इस डाउट को अगर आप हमसे बैठ के हमारे साथ बातचीत करोगे तो मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकेंगे। तो आजकल अब ये नोटिफिकेशन निकली है कि जो अब पेपर्स होंगे क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक, वो सब मार्च में होंगे। तो उसके लिए मैंने ये सोच के रखा है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना स्टूडेंट्स को ना पेरेंट्स को। मैंने ये सोच के रखा है कि हम उनको
क्लास टेस्ट अगर जो करना चाह रहे हैं तो वीकली क्लास टेस्ट देंगे, अगर कोई रिवाइज करना चाह रहे हैं तो हम वो रिवाइज भी कराएंगे, अगर वो फिर से वही पढ़ना चाह रहे हैं तो हम उनको उसी सब्जेक्ट का उसी क्लास का फिर से हम मतलब उनको कराएंगे कोर्सेज। तो ऐसे परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम उनको सब मतलब करा लेंगे। इसके साथ ही आजकल बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल जाते हैं फिर घर आके फ़ोन मोबाइल फ़ोन्स देखते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, तो उसके साथ ही मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे साथ जुड़ें, हमारी कोचिंग के साथ जुड़ें। हमारा ये है कि हम पेरेंट्स से कॉन्ट्रैक्ट मतलब बातचीत फेस टू फेस करके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करते हैं, तो उनका टाइम भी वेस्ट ना होगा और हमसे जुड़े रहेंगे ताकि हम उनकी परेशानियां उनके अकॉर्डिंग हम अपना काम आगे जारी रखें। सर मेरा नाम सब्रत है और मैं क्लास 8th की स्टूडेंट हूँ। सर मैं यूनिक क्लासेस में पिछले 3 ईयर से पढ़ी हूँ और अब ये मेरा 4th ईयर चल रहा है, तो सर मैं यूनिक क्लासेस के लिए जो भी बोलूँ वो कम है। सर यहाँ पे हमें ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती है जो हमें आगे भी काम आएगी, मतलब हमें आज से ही तैयार किया जाता है, मतलब कि जो हमारा सिलेबस है वो तो कवर किया जाता है लेकिन उसके अलावा ऐसी ऐसी चीज़ें भी हमें आगे पढ़ाई जाती है जो हमें आगे भी काम आए। सर मतलब जो भी हमें जो डाउट्स होते हैं वो हमारे सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर किए जाते हैं। मैं किसी और स्कूल की स्टूडेंट हूँ लेकिन हम सर अपना स्कूल कंप्लीट करने के बाद जो है यूनिक क्लासेस आते हैं, हम इसी पर्पज के लिए आते हैं ताकि हम कुछ नया सीख सके क्योंकि यहाँ पे जो हमें चीज़ें सीखने को मिलती है मे भी शायद कहीं और ना मिले। थैंक यू सर। मेरा नाम आबरू परवेज है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मैं पिछले 3 सालों से यहाँ यूनिक क्लासेस में पढ़ती हूँ। आज मेरा इस साल मेरा 4th साल चल रहा है यहाँ यूनिक स्टडी सेंटर में। मैंने जितनी भी ट्यूशन आज तक ली हैं ऐसी ट्यूशन मुझे कहीं नहीं मिली है। यूनिक स्टडी सेंटर के बारे में जितना भी तारीफ की जाए बहुत कम है क्योंकि जैसी ट्यूशन यहाँ पे दी जाती वैसा कहीं नहीं है। मैं किसी और स्कूल के स्टूडेंट हूँ लेकिन स्कूल के बाद जो हम यहाँ पे ट्यूशन लेने आते हैं ताकि हम स्कूल की बुक से ज़्यादा मतलब एजुकेशन हासिल कर सकें, जो इन्फॉर्मेशन हमारी स्कूल की बुक्स में उससे ज़्यादा हम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। हमें यहाँ पर आज से ही जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है कुछ भी, जैसे JNV है, सैनिक है, ओलम्पियाड्स है, NTSC है, हमें जो है यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। स्कूल की जो मतलब हमारी जो NCERT बुक्स होती हैं उनके अलावा हमें CBSE बुक्स भी पढ़ाई जाती हैं, जैसे मैथ्स में हमें RD शर्मा पढ़ाया जाता है, लॉजिकल क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद हमें आज से ही जो है नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आज से ही तैयार किया जा रहा है। और उसके बाद हमसे हर बार मतलब कभी भी हर क्लास में मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो 10th का हो, 12th का हो, नीट का हो, हमें ये कहा जाता है कि ये किस क्लास का क्वेश्चन है, ये कब नीट में आया था, ताकि हम जो है मोटिवेट हो सके, हमें ये कॉन्फिडेंस आए कि हम कुछ कर सकते हैं। उसके बाद थैंक यू। सो हेलो गाइज, दिस इज़ अनुज सिंह, आई रीड इन 8th स्टैंडर्ड। मैं इसी साल हमने ये यूनिक क्लासेज मैंने ज्वाइन किया है एंड स्पेशली मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि ये ग्रुप ज्वाइन करो, ये बहुत ही अच्छा ग्रुप है। मैं इधर आया और जो मैं टाइम वेस्ट करता था अकेडमिक्स के बाद 3 से 4 घंटा मैं इधर आके अपना जो नॉलेज है वो दिन ब दिन मेरा इम्प्रूव हो रहा है और मेरे को जो उसके रिजल्ट है ये मिल रहे हैं। और मैं एट द एंड मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूँगा कि आप भी इस सेंटर को ज्वाइन करें और इसके और यहाँ पे आके अपना और अपना फ़ायदा उठाएं और वक्त ज़ाया ना करें जैसे कि दूसरे लोग करते हैं, गेम खेलते हैं तो वो ना खेलें और इधर आके अपना टाइम जो है वो यूटिलाइज करें, बर्बाद ना करें। हमने 1 नवंबर से यूनिक क्लासेस में जो भी न्यू नोटिफिकेशन आई है उसके लिए हमने एक नया नोटिफिकेशन हमने अपने कोचिंग की तरफ से लाया है कि जो बच्चे मार्च में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास 4 महीने का टाइम है, जो 1 नवंबर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें 12th से लेके 1 तक की क्लासेस के लिए क्रैश कोर्स हम शुरू करेंगे, स्पेशली 10th क्लास के लिए, 10th, 11th और 12th। जो बच्चे नीट करना चाहते हैं या JEE करना चाहते हैं या बोर्ड का ही एकेडमिक अच्छे से करना चाहते हैं उसके लिए हम अच्छे से हमारे इतने भी हमारे पास एक्सपीरियंस टीचर है सब उनको पहले क्या करेंगे, हम 12th का अच्छे से पढ़ाएंगे, उसके बाद नीट का भी पढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा उनके एकेडमिक में अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे स्कोर करेंगे और उनका नीट भी बेहतर हो जाएगा। सो प्लीज़ कम इन माई यूनिक क्लासेस एंड अपने बच्चे का फ्यूचर आप ब्राइट करिए। तो नाज़रीन ये थी आज की पूरी रिपोर्ट जो मैंने आपको यूनिक क्लासेस के हवाले से दी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और अगर आप अपने बच्चों को इस तरीके के ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इनके साथ रब्ता करें, जो आपके रबते नंबर हमारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं उन पर कॉल करके आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उन्हें ताबड़ाक बना सकते हैं। देख रहे हैं शुभम चैनल डोडा, अपने मेज़बान इदरीस वाले को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।